नमस्कार, अभी हम हैं मंदिर मार्ग स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर और हमारे साथ हैं स्वामी जी स्वामी कृष्ण साहब विद्यार्थी जी महाराज। महाराज जी, अभी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे स्वामी जी और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अभी उसी विषय में स्वामी जी से कुछ चर्चा करते हैं। स्वामी जी, कैसा रहा अनुभव? अनुभव तो ये है कि बहुत विलक्षण अभी अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये वहाँ की जो छटा है वो देखते ही बनती थी। साधुओं में, धर्मावलंबियों में, धर्मचारियों में और धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में, साधारण जन हिंदू धर्म के प्रति जिनकी आस्था निष्ठा है उनमें एक विलक्षण किस्म का एक उत्साह था। बहुत उत्साही थे। जैसे वहाँ हम लोग गए तो एयरपोर्ट पर उतरे, हवाई अड्डे पर उतरे, तो हवाई अड्डे पर उतरने के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले अलग थे, ढोल ताशे वाले अलग थे, विभिन्न प्रकार की जो एक छटा थी, मतलब ऐसे लगता था कि अयोध्या हमेशा के त्रेता युग में तो कहीं नहीं आ गए, ऐसा लगता है कि त्रेता युग जैसा अनुभव हुआ। तो लोगों में बड़ा उत्साह था, बहुत उत्साह था। हवाई अड्डे से उतरने के बाद में लोगों का जो सड़कों पर लोग लगे हुए थे, भाई जो आने वाले हैं इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित होंगे उनका सभी का अभिनंदन कर रहे थे। उन्होंने जो है धर्म ध्वजाएं ली हुई थी छोटी छोटी, सब जो है अपने उसमें मार्ग पर खड़े हुए थे दोनों तरफ को। अच्छा, ये 500 वर्षों के संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद यह मंदिर बन करके तैयार हुआ है, तो जब पहली बार मंदिर में प्रवेश किए तो अंदर की अनुभूति कैसी थी? पहली बार प्रवेश करने पर लगता है कि कहीं हम कल्पना में तो नहीं भास रहे, क्योंकि जिसको मात्र हम सुनते थे, कानों से सुनते थे कि चिर प्रतीक्षित एक कार्य था जो लगभग 500-550 वर्षों से लंबी चला आ रहा था, हमारे कितनी धर्म को मानने वाले लोगों की पीढ़ियाँ खप गई इसको, इस दिन को देखने के लिए। लेकिन हम सब बड़े आप हम सब जितने भी आज इसके युग में, आज के युग में हम लोग सब जिंदा हैं, इस समय में जो जीवित हैं या इसको देख रहे हैं अपनी आँखों से, बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में भगवान श्री राम का अयोध्या में रामलला का मंदिर पुनः स्थापित हुआ। वो एक कहा करते थे कि रामलला जब भी हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वही मंदिर बना जहां रामलला का जन्म हुआ था। तो वो जब मंदिर में प्रवेश किया तो एकदम शरीर की जो रूहें थे वो खड़े हो गए। अलग किस्म की छटा थी, अलग किस्म का उत्साह था, अलग किस्म, और मंदिर की भव्यता देखकर तो और भी लगता था। मंदिर की जो नक्काशी है, मंदिर का जो निर्माण है, वो बहुत विलक्षण प्रकार का बना है, बहुत सुंदर। ये हमारी जो सनातन जो संस्कृति है, जो धर्म है, उसमें लेकर के जो संघर्ष रहा, जैसे प्रधानमंत्री ने वो कहा कि एक कालचक्र को बदलने वाला चल है, तो इस मंदिर का महत्व क्या है? जो मंदिर का महत्व क्या है कि जो धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, देखिए धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम तो करता ही नहीं है। मंदिर के बनने के बाद में जो लोग ये थे कि भाई रामलला का मंदिर जब स्थापित होगा, प्रतिमा जब स्थापित होगी, तो रामलला के हम दर्शन करेंगे, हमारे भाग्य में ये है या नहीं है, भाग्य से उसे। लेकिन प्रभु राम की कृपा हुई, भगवान की भगवत कृपा हुई, मंदिर बना, हम लोगों के समकालीन बना, उसमें मंदिर ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी धर्मावलंबियों को, चाहे वो घर में बैठा हुआ व्यक्ति है जो धर्म को मानने वाला है, भगवान राम में जो आस्था रखने वाला है, चाहे वो मंदिर तक पहुंचा नहीं पहुंचा, किसी न किसी प्रकार से वो अपने घर में बैठे आस्था के रूप से उस मंदिर से जुड़ा हुआ, स्थान से जुड़ा हुआ है, संस्था से जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये था, हिंदू धर्म को मानने वाले ही नहीं बल्कि इतर धर्म को मानने वाले भी, हिंदू धर्म के अलावा जो और धर्मावलंबी हैं उनके अंदर भी बहुत उत्साह था। आपने देखा भी होगा उसमें जो है जैन मुनि भी गए थे, उसमें बौद्ध भिक्षु भी गए थे, उसमें सिख संप्रदाय के लोग भी गए थे, और उसमें मुस्लिम संप्रदाय के इमाम भी गए थे। तो ये जो एक बड़ा विचित्र प्रकार का एक जो राम जी का जो सम्मोहन है सभी में, व्यक्ति मतलब व्यक्ति मात्र में, तो सबका एक सम्मोहित राम जी ने कर रखा है, सबकी राम जी के प्रति एक आस्था है। और जितना इसके लिए जो कहा गया, बहुत मतलब इसके लिए जो प्रयास चल रहे थे, और इसकी जो ये था कि रामलला का मंदिर स्थापित होगा, प्रतिमा स्थापित होगी, तो सब तो लोगों में ये भी था कि कब ये मंदिर बने, कब ये प्रतिमा स्थापित हो, कब हम दर्शन करने जाए। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम के मंदिर की जिस दिन प्रतिष्ठापना हुई, जिस दिन प्रतिमा की प्रतिष्ठापना हुई,
उसी दिन हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि हम राम जी के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें। प्रधानमंत्री जी ने पहले दर्शन किए, उसके बाद में संतों के दर्शन हुए। संतों में बड़ा उत्साह था और वहाँ संतों की श्रेणी, कोई महामंडलेश्वर, कोई मंडलेश्वर, कोई श्री महंत, कोई महंत, वहाँ सब पहुँचे थे। लेकिन जब रामलला के दर्शन करने गए तो वहाँ सब का संभाव था। बड़े बड़े महात्माओं ने अपने कैमरे निकाल कर राम जी के फोटो खींच रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई बड़ा संत नहीं, कोई एकदम संभाव। राम जी के सेवक बनकर सब लोग दर्शन करने के लिए गए थे और सब बड़ा उत्साह था। दर्शन से पहले सब ये कह रहे थे कि राम जी के चित्र को जो है, राम जी के उसको स्वरूप को जो है ना, अपने कैमरे में कैप्चर कर लें, इतना उत्साह था। तो इसलिए दर्शन भी दूर से हो पा रहे थे क्योंकि कैमरे जो है उनकी फ्लैश जो चल रही थी, उनकी जो रोशनी आ रही थी, तो उससे। लेकिन संतों में बड़ा उत्साह था। सभी परंपरा के संत आए थे उसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैष्णव, शैव, सभी आए थे उसमें। इस मंदिर से हिंदू समाज को क्या संदेश जाता है आगे के लिए? राम मंदिर से जी, जी। नहीं, हिंदू समाज को ये देखिए कि राम जी ने जो अपने जीवन काल में जो राम जी के संदेश थे, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से पूर्व जो जो संभावनाएं थी, जो घटनाएं घटने वाली थी, उनको राम जी के जन्म से पूर्व लिख दिया। और राम जी ने जब अपने राम जी जन्मे, उन्होंने भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के एक एक शब्द को शब्दशः अक्षरशः उसका अनुसरण किया और भगवान राम कहलाए। तो भगवान राम कहलाए, भगवान राम का ये था कि भगवान राम का जो एक, ये कहें कि एक विषमता वाला जो भाव, विषम था को ख़त्म करने वाला भाव था। जब राम जी को वनवास हुआ, वनवास में जाके उनके पास में कोई चतुरंगी सेना तो थी नहीं, उन्होंने राम वनवासियों को जाकर वानरों को, रीछ को, भालू को, केवट को अपना मित्र बनाया। बहुत चिर प्रतीक्षित एक माता बैठी हुई थी, सबरी माता, कि भाई मेरे राम जी आएंगे मेरे जीवन को। तो ऐसे ऐसे जो मतलब समाज से जिनको उस समय में हे भाव से देखा जाता था, राम जी ने उनके जाकर उनके सन्निकट बैठे, उनको अपने साथी बनाए, उनका संगी बनाया और राक्षस राज रावण पे विजय प्राप्त की। तो जो राम जी का भाव था, राम के मानने वालों को, अगर जो राम को मानते हैं तो समता भाव को लेके आना पड़ेगा। जब तक समता भाव नहीं रहेगा तो राम जी का मानना हम ये मानकर चले कि निरर्थक है। फिर संभाव रहना चाहिए, जाति वर्ण व्यवस्था वाला संभाव मतलब रहना चाहिए, जातिगत ये जो विघटता है विघटन खत्म होनी चाहिए। तो हम लोग तभी राम जी के मानने वाले बनेंगे, तभी राम जी की कृपा हम पर बनेगी। मात्र राम जी कहना शुरू कर दिए, राम जी के दर्शन कर लिए, तो राम जी के वो जीवन जो उनका है उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे ना, उनके सिद्धांतों का अनुसरण नहीं कर पा रहे। उनके सिद्धांतों को, उनकी मर्यादा को जब तक हम अपने जीवन में नहीं, उनके जीवन अपने जीवन में नहीं उनको उतारेंगे, तब तक राम जी की कृपा हम पर नहीं बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब और कुछ कहने को बचा नहीं है कि समता, राम जी ने जो समता बताई, उस समता को अपने जीवन में लाना होगा, सबके साथ समता का व्यवहार करना होगा, वह राम जी के प्रति सच्ची हमारी श्रद्धा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।